दोस्तों आज आपको एक ऐसा टोटका बताएंगे जो आपकी हारी बाजी को भी जीत में बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, ये टोटका नजूमी फक्कड़दास जगीरा का है। जी हाँ दोस्तों, फक्कड़दास इनको इसलिए कहा जाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें मुंह मोया यानी कि जिसे कहते हैं मुंह माया से कोई लगाव नहीं था। वो एक भस्म लपेट कर ही पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। तो उनके बताए हुए टोटके कभी फेल नहीं हुए दोस्तों। तो आज हम आपको फक्कड़दास जगीरा का टोटका बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके बताए हुए टोटके को आप 5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये टोटका थोड़ा बाधाएं हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहकर आपको सीधा हम पॉइंट पर लाते हैं। दोस्तों आपको एक नदी या तालाब पर जाना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नज़दीक तालाब या नदी हो वहाँ पर जाना है, और जिस तरीके से नहाने के लिए सभी कपड़े उतारते हैं, सिर्फ अंडरवियर छोड़कर सभी वस्त्र उतार कर पानी में प्रवेश कर जाइए, और पानी के अंदर सूंडी तक यानी कि नाभि तक ही आपको पानी में जाना है, और जब आपकी नाभि डूब जाए तो पानी से आप बाहर निकल आएँ, और भीगी हुई नाभि पर नदी या उस तालाब में जिसमें भी आप प्रवेश किया था उसकी थोड़ी सी मिट्टी उठाकर नाभि पर लगा लें। ध्यान रहे कि नाभि पानी से गीली होनी चाहिए और मिट्टी सूखी होनी चाहिए ताकि वो कुछ चिपक जाए। और उसके बाद आप कपड़े पहन लीजिए और उस मिट्टी को झाड़ना नहीं है जो आपकी नाभि पर लगेगी, उस मिट्टी को झाड़ना नहीं है। सूखने के पश्चात वो अपने आप झड़ेगी, लेकिन कुछ ही कण वहाँ पर लगे रह जाएंगे, कुछ निशान रह जाएगा मिट्टी का। ध्यान रहे कि उसको आपने साफ नहीं करना है, उस दिन पूरे दिन नहीं नहाना है, अगले दिन आपको स्नान करना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि उस मिट्टी को साफ नहीं करना है, अगले दिन स्नान करना है। स्नान करते हुए भी उस पर कोई हाथ नहीं फेरना है, पानी ही जैसे आम नहाते हैं इस तरीके से नहाना है। ध्यान रखें कि उस जगह को मले ना, नाभि में मले ना। दोस्तों आपका ये टोटका पूरा हो जाएगा। दोस्तों इस प्रक्रिया में आपका दिमाग की क्रिया को प्रतिक्रिया में बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो दिमाग है कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके बदल जाएगा कि आप आंख मूंद कर, जी हाँ दोस्तों ध्यान दें कि आप आंख मूंद कर जिस नंबर की कल्पना करोगे वह नंबर आपको लगेगा। 99% आप सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते आप विख्याति प्राप्त कर लेंगे और अपनी बाजियों में आप बढ़त महसूस करेंगे। साल भर के अंदर अंदर आप एक बहुत विख्याति बाजीगर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाजीगर का मतलब ये नहीं है आप बाजी खेलने वाले होंगे और जीतने वाले होंगे, तो आप सिकंदर बन जाएंगे मुकद्दर के। जी हाँ दोस्तों, टोटका ये अगर आप करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने टोटका कर लिया और आप अमर में ले आए और आपको बाजी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारी वीडियो को लाइक करें लेकिन शेयर ना करें। जी हाँ दोस्तों, शेयर इसलिए नहीं करवा रहे हम अपनी वीडियो ताकि आपकी शक्ति गुप्त रहे, और इस शक्ति का जो आपकी पावर है वो केवल इसको गुप्त रखने में है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोगों का तो फायदा है कि हमारी वीडियो शेयर हो, लेकिन दोस्तों कुछ टोटके और उपाय ऐसे होते हैं जो गुप्त रखे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये गुप्त टोटका आपके लिए है, आप इसको जीवन में एक बार करेंगे और पूरी ज़िंदगी सफल रहेंगे। तो दोस्तों ये टोटका अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यास खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।